तो दोस्तों वेलकम बैक। और न्यूज तो अभी तक आपको मिल ही चुकी होगी, इंडियन वुमेन्स टीम की दो और ऐसी प्लेयर्स जो कि इंडिया से बाहर फॉरेन क्लब्स में खेलने वाली हैं। तो सबसे पहले डेंगमाई ग्रेस, जिन्होंने उज्बेकिस्तान के क्लब एफसी नसफ के साथ 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और ये वही एफसी नसफ है जिसने एएफसी कप में एटीके मोहन बगान को 6-0 से हराया था। और दूसरी प्लेयर है मनीषा कल्याण, जिन्होंने सिप्रस जो कंट्री है उसके क्लब एप्लॉन लेडीज एफसी को ज्वाइन कर लिया है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। अब भाई एप्लॉन लेडीज एफसी जो है वो 2020-21 में सिप्रस वुमेन्स लीग की विनर्स रह चुकी है, तो अब जो यूएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग होने वाली है उसमें एप्लॉन लेडीज एफसी पार्टिसिपेट करेगी। और भाई अगर मनीषा चैंपियंस लीग खेल लेती हैं तो वो बन जाएंगी फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर जो यूएफए चैंपियंस लीग में खेलेंगी। और भाई मनीषा का किसी यूरोपियन क्लब में खेलना हर एक इंडियन फुटबॉल फैन के लिए काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है, और ये दोनों ही ट्रांसफर डेंगमाई ग्रेस और मनीषा कल्याण का ये ट्रांसफर इंडियन फुटबॉल की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इंडियन फुटबॉल को फॉलो करता है उनको मनीषा और डेंगमाई के बारे में तो पता ही होगा कि हमारी टीम के अटैक के पिलर्स हैं ये दोनों प्लेयर्स। मनीषा लेफ्ट विंग पर और डेंगमाई राइट विंग पर खेलती हैं, और इनके जबरदस्त ड्रिबलिंग स्किल्स और पेस के चर्चे तो हर तरफ हैं ही। और भाई गोकुलम केरला एफसी के साथ इस सीजन दोनों ही प्लेयर्स ने इंडियन वुमेन्स लीग की ट्रॉफी भी जीती है, जिसमें से मनीषा ने 14 गोल स्कोर करके अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और डेंगमाई ग्रेस ने टोटल 4 सीजन्स में 20 गोल स्कोर किए हैं इंडियन वुमेन्स लीग में। तो भाई इनसे पहले भी हमारी इंडियन वुमेन्स टीम की प्लेयर्स फॉरेन क्लब्स को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है बाला देवी का, जिन्होंने रेंजर्स एफसी को ज्वाइन किया था, और वो पहली इंडियन फुटबॉलर बनी थी यूरोपियन लीग में स्कोर करने वाली। और उसके बाद अदिति चौहान वेस्ट हैम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तन्वी हंस टॉटेनम हॉटस्पर्स और भाई फुलहम की वुमेन्स टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और भाई दालिमा चेबर भी कैनेडा के एक क्लब के लिए खेल चुकी हैं। तो भाई अब ये 5-6 प्लेयर्स ऐसी हो गई हैं जो इंडिया से बाहर जाके खेल रही हैं, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन वुमेन्स की जो फुटबॉल है उसकी डेवलपमेंट के लिए, हमारी जो इंडियन वुमेन्स की नेशनल टीम है उसकी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये प्लेयर्स बाहर निकली हैं तो इनको देख के और नए जो हमारे प्लेयर्स आ रहे हैं उनमें मोटिवेशन आएगी, और होपफुली हम लोग ऐसा कुछ डेवलपमेंट कर पाएंगे इंडियन फुटबॉल में, इंडियन वुमेन्स फुटबॉल में, ताकि और प्लेयर्स ऐसे अच्छे अच्छे क्लब्स को रिप्रेजेंट कर पाएं। तो अब आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि ऐसी और कौन सी फीमेल फुटबॉलर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है किसी अच्छे क्लब को रिप्रेजेंट करने का। तो बस दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और रिसेंटली हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अब कोशिश यही रहेगी कि इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड और अच्छा कंटेंट मैं बनाकर आपके लिए डिलीवर कर सकूं। तो बस दोस्तों तब तक के लिए इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, और जय हिंद दोस्तों। It's not a game, it's a rage game.